वेलकम टू टीएचके टेक। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपका जॉब कार्ड कहीं पर खो जाता है तो आप अपने मोबाइल से उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है nrega.nic.in। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो आप वहां से क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा ग्राम पंचायत। तो आपको ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ग्राम पंचायत। इसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। फिर आपको दूसरा वाला ऑप्शन जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके राज्य आ जाएंगे, तो आप अपना राज्य यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पंचायत सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से आप सेलेक्ट करना है आपको कौन सी ईयर का डाउनलोड करना है। चलो मैं यहाँ से 2023-2024 को डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्लॉक, अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अपनी पंचायत सेलेक्ट करनी है। तो यहां से मैं पंचायत को सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस का, तो आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल आ जाएंगी। तो पहले R1 पे आ रहा है जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन, तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा चौथे नंबर पर जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने जॉब कार्ड संख्या आ जाएंगी, तो आप यहाँ से अपना जॉब कार्ड संख्या पर क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही आपको नाम दिया गया है तो आप अपना नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपका जॉब कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब कार्ड, और नीचे आपको नाम मिल जाएगा, फादर्स नेम मिल जाएगा, कैटेगरी मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी, और यहाँ से आपकी जो पंचायत है वो मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा किस बैंक में आपका खाता इससे लिंक है। आप यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको नीचे दिया गया है आपने कहाँ पर काम किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके लिए आपको फिर से और नीचे चलना है, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपके जॉब कार्ड की मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है। तो यहाँ पर दिया गया है वर्क नेम, आपने कहाँ पर काम किया है वो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, और किस तारीख से किस तारीख तक किया गया है, कितने दिन किया है, वो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो आप इसी प्रकार अपने जॉब कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, आप इसी प्रकार अपने जॉब कार्ड को देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।